गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग आज बहुत ही जबरदस्त चीजों को देखेंगे आइसोमेरिज्म में। ऑलमोस्ट पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। माइक ऑफ करें सब लोग। अब हम लोग शाल भी माइक ऑफ कर लो। शालवी माइक ऑफ कर लो। ठीक सर। हाँ सर, आप कॉल कर रहे थे अभी। तो मेरी आवाज आ रही है क्या? अब शालवी की आवाज आ रही है। नूर कॉल कर रहा था कि नया टॉपिक था, हमने कहा ऐसा ना हो क्लास मिस कर दोगे इसलिए। हाँ नहीं सर, मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। चलो बढ़िया, वेरी गुड। हाँ शालवी आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो आप लोग। आओ चलो बच्चों, बहुत जबरदस्त आज हम लोग काम करने चल रहे हैं। दोनों लेक्चर में मिला के खत्म करेंगे चाहे जितना टाइम लगेगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बच्चों, जब आपने पहले दिन आइसोमेरिज्म पढ़ना शुरू किया था तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। स्टीरियो में आपने दो बेसिक चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था कन्फिग्रेशनल, जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, हाँ या नहीं, जिसको हमने पीछे कर लिया। और दूसरा आपने स्टीरियो में है, मतलब नोट किया था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके बारे में हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। अब चल रहे हैं पढ़ने। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझा सकता हूं, खाली आप ध्यान से बातों को सुने। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, सपोज करो हम लोग बात कर लेते हैं इथेन की। किसकी बात करते हैं? सपोज करिए हम लोग इथेन की। अगर इथेन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। सपोज ये कार्बन है और इससे एक हाइड्रोजन यहाँ है, CH3 यही है इथेन। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब बच्चों अगर मैं पीछे के हाइड्रोजन बनाऊं तो ये एक हाइड्रोजन सपोज करो यहाँ है, एक हाइड्रोजन सपोज करो यहाँ है, एक हाइड्रोजन सपोज करो यहाँ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रेड वाले सारे हाइड्रोजन ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन के ठीक पीछे हैं, अगर ठीक पीछे हैं तो कोई बच्चा अगर यहां से आकर के देखने की कोशिश करेगा, प्यारे बच्चों देखने की कोशिश करेगा, तो बताओ अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके ठीक पीछे है तो यहां से कोई देखेगा तो बताओ उसको दिखेगा क्या ये रेड वाला हाइड्रोजन? नहीं दिखेगा। ये इवन ये जो रियर पीछे वाला कार्बन है ये भी नहीं दिखेगा, फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा क्योंकि ये जस्ट इसके पीछे है। हाँ या ना? अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ ये एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है, हमने बताया था क्यों रहता है, कैसे रहता है, ये सब चीजें हमको बताया था। क्या क्या ऐसा हो जाता है रोटेशन से कि डबल बॉन्ड में रोटेशन फेवरेबल नहीं होता है क्योंकि स्ट्रेन बढ़ जाता है, वो हमने सारी चीजें आपको दिखा रखी है पीछे क्लासेस में। लेकिन अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी यहाँ रोटेशन अलाउड है, यहाँ रोटेशन हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? अब अगर हम इस कार्बन को ए बोल दें और इसको बी बोल दें और बी को फिक्स करके ए को थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएं, मान लो कि पहले किसी ने थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री से घुमाया, फिर किसी ने 2 डिग्री से घुमाया, फिर थीटा इक्वल्स टू 3 डिग्री से घुमाया, ऐसे ऐसे थीटा इनफाइनाइट डिग्री हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। भाई कोई कहे नहीं सर 1 से 360 तक ही होगा, अरे बच्चा कोई 1/8 डिग्री से घुमा दे, कोई 1/2 डिग्री से घुमा दे, कोई 1/9 डिग्री से घुमा दे, तो इनफाइनाइट डिग्रीज बन सकती है कि नहीं? और जरा सा ही इस कार्बन को तुम इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर दोगे तुरंत यहां खड़े हुए इंसान को पिछला हाइड्रोजन दिखने लगेगा कि नहीं? जरा सा तुमने बी को कॉन्स्टेंट करके ए को रोटेट कर दिया तो पिछला हाइड्रोजन दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, ओके फाइन। यानी कि अब जरा देखना कि जितने भी यानी कि इनफाइनाइट आइसोमर्स बन सकते हैं नहीं बन सकते इसके, जितने अलग अलग
डिग्री से घुमाओगे उतने अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे, जो अलग अलग आइसोमर्स बनते ही नहीं बोला जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोला जाता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो जरा देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप ध्यान से देखें और नोट भी कर लें साथ साथ। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हेडिंग डाला है, नोट करिएगा। ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इन एल्केन्स, तुरंत ब्रैकेट, नॉट इन मीथेन ब्रैकेट बंद, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इन एल्केन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विच आर नोन एज conformational isomers of each other, which are known as conformational isomers of each other. Lecture बहुत ही important होने वाला है, आप खाली note करें और ध्यान से बातों को देखते जाएं. Which are known as conformational isomers of each other. इतना लिख दिया आपने? यस सर। ये एग्जांपल बना दीजिएगा, ये एग्जांपल बना दीजिए। इसको जो है ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, नोट करके लिख दीजिएगा। बी को कांस्टेंट करके ए को बी के रिस्पेक्ट में, ए को बी के रिस्पेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इनफाइनाइट एंगल्स से रोटेट किया जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट का जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम बना करके ये बात लिख दीजिएगा। सो इथेन के इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। सो इथेन के इनफाइनाइट, क्योंकि जितने अलग अलग डिग्री से घुमाओगे वो सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। सो इथेन के इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते, राइट बच्चों? हाँ सर। यस सर। हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करें और स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखिए, क्योंकि आज मुझे इसे हर हाल में फिनिश करना है सुबह और शाम मिलाकर। वेरी गुड, सबने कर लिया? यस सर। यस सर। फाइन, आई एम गोइंग टू रेज द कंप्लीट कंटेंट। चलो आगे चलो, नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ ईच अदर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ ईच अदर बिकॉज
they are interconvertible. Because they are interconvertible. Speed बढ़ाएं. अगली हेडिंग डालिएगा difference between configuration, difference between configuration and conformation, difference between configuration and conformation. कॉपी को दो पार्ट में बांटिएगा. पहले पार्ट में लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशन एंड दूसरे पार्ट में लिखिएगा कन्फॉर्मेशन. मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म ऑफ दिस यूनिट. यहां हम लोग लिखेंगे दिस इज मेथड ऑफ बॉन्डिंग and cannot be changed, yani configuration change nahi kiya ja sakta, cannot be changed before, yeah, without, not before, cannot be changes without breaking the bond. Cannot be changes without breaking the bond. यानी किसी भी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में तब तक चेंजेस नहीं हो सकते जब तक बॉन्ड टूटे ना. बोलो हाँ. यस सर. ठीक है, तो लिखिएगा दूसरा. They are formed only because of free rotation. They are formed only because of free rotation around sigma bond. They are formed only because of free rotation around sigma bond. जैसे आप जानते हो कि एल्डिहाइड किसके साथ आइसोमेरिज्म दिखाता था? भूल गए? मान लीजिए हमारे CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच है या CH3 CH2 CH3 है, तो दोनों का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा. यहां भी C3H6O और यहां भी अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा. लेकिन जरा देखो इनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस हैं, हाँ या ना. देखो यहाँ ये जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से. यहाँ जरा देखो कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, कार्बन से. क्या ये स्थिति बिना बॉन्ड के टूटे हुए बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है. यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किस तरह से बॉन्डिंग हुई है, और अगर किसी एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हो तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. कन्फॉर्मेशन का मतलब है कि दे आर फॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड. जैसे कि हमने इथेन का ही देखा था, तो इथेन में अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स से इसको रोटेट करते हैं ए को विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम जितने भी स्ट्रक्चर पाएंगे वो सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, they are known as the conformational isomers of each other. हाँ या ना? हाँ सर. जैसे थीटा 1 डिग्री पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, थीटा 2 डिग्री पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, थीटा 3 डिग्री पे एक स्ट्रक्चर बनेगा. इसको x बोल दो, इसको y, इसको z, तो ये x y z आपस में एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, conformational isomers कहलाएंगे. यानी कि conformation बनता है due to free rotation around sigma bond, और कॉन्फ़िगरेशन है जुड़ने का तरीका, बॉन्ड बनाने का तरीका, बॉन्डिंग पैटर्न. कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो तुम्हें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे. कन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो जस्ट रोटेट द बॉन्ड,
उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नोट करें फटाफट, नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, थोड़ी चीजें आगे ट्रिकी हैं, उनको हम बहुत जबरदस्त तरीके से बताएंगे, डोंट वरी। नोट हो गया? हाँ सर। बाकी लोग भी लिखें, हो जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म करें। और किसी को किसी भी बात में कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन है, कुछ उनको लगता है कि सर से पूछ लेना चाहिए या सर को बता देना चाहिए, तो दोनों ही परिस्थितियों में उनका स्वागत है। वेरी गुड। आगे चलते हैं और आगे चल के आप हेडिंग डालिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंफॉर्मर्स। द न्यू हेडिंग इज व्हाट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंफॉर्मर्स। बच्चों अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंफॉर्मर्स की बात करें तो देखो, फ्रंट कार्बन को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द फ्रंट कार्बन। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट रियर कार्बन या बैक कार्बन। रियर या बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को लिखने का ये तरीका है। लिख दिया आपने? अगले पॉइंट लिखिएगा थीटा। इसको बोलते हैं इट इज अ टॉर्शनल और डाईहेड्रल, टॉर्शन TORTI होना चाहिए, टॉर्शनल। इट इज टॉर्शनल और डाईहेड्रल एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द फ्रंट कार्बन एटम एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द बैक कार्बन एटम जैसे अगर फ्रंट कार्बन एटम के ठीक पीछे बैक कार्बन एटम है तब तो ऐसे देखेंगे तो दोनों ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिए अब फ्रंट और बैक के बीच में कुछ एंगल हो जाएगा कि नहीं? जैसे जब दोनों एक दूसरे के जस्ट आमने सामने होंगे तब तो सामने से देखोगे तो ऐसे एक लाइन दिखेगी, थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो जरा देखो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों के बीच में यही जो एंगल एग्जिस्ट करता है इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्शनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल। समझे क्या? इसको भी नोट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंफॉर्मर्स में सबसे पहले फ्रंट कार्बन को इस तरह से, रियर कार्बन को इस तरह से। अब फ्रंट कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन में और रियर कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन में जो एंगल बनता है वो एंगल उम्मीद करता हूं कि सबको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या दिमाग में सबको? दिख रहा है? नहीं तो हम उसको दिखाने शुरू करें। जैसे देखिए
दिख रहा है सर. इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी बात है, कोई उसमें बहुत अलग सी बात नहीं है. नोट कर लिया? हाँ सर. फाइन. अब टॉर्शनल एंगल हो गया, तो एक और हेडिंग डाल दीजिएगा पॉइंट नंबर थ्री में, टॉर्शनल एनर्जी या टॉर्शनल स्ट्रेन. ये भी शब्द बार बार आएगा, टॉर्शनल एनर्जी और टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल ये ऐसी है, टॉर्शनल एनर्जी और टॉर्शनल स्ट्रेन. अब बच्चों आपको मालूम है कि जहां भी कहीं रिपल्शन लगेगा वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पीरियोडिक टेबल वगैरह में, बहुत डिटेल में ये चीजें समझाई थी कि अगर कहीं भी पूरे साइंस में अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और अगर रिपल्शन लगता है तो एनर्जी रिलीज होती है. बोलो. उल्टा बोल सर. उल्टा बोल दिया, सब बोल दिए. यस सर. उल्टा बोल सर. उल्टा बोल भैया. हमने बताया कि अगर कहीं रिपल्शन लगेगा दैट प्रोसेस विल ऑलवेज एंडोथर्मिक. हाँ, और अगर कहीं अट्रैक्शन लगेगा तो दैट प्रोसेस विल ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ठीक है. अब जरा देखो कि अगर हम देखते हैं, सपोज करो इसी इथेन का ही बना देते हैं, कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. इस पे हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर देते हैं, ये हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे है, ये वाला ठीक इसके पीछे है, और ये वाला ठीक इसके पीछे है. तो बताओ इनके और इनके बीच में कुछ तो रिपल्शन वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे. बोलो. हाँ हाँ सर. इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो जैसे बॉन्ड पेयर के बीच में बीपी का मतलब ब्लंडर स्प्राइट तो नहीं समझोगे ना. बॉन्ड पेयर के बीच में जब रिपल्शन लगेगा तो क्या होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, तो स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं. यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा ही एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी. जल्दी हाँ कह दो. और जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी. बोलो. हाँ हाँ सर. तो जो टॉर्शनल एनर्जी है वो इसी एनर्जी को बोलते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू रिपल्शन. एब्जॉर्ब का मतलब रिपल्शन लगेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, उसी को मैं ऐसा बोलता हूँ कि एब्जॉर्ब करेगी, जिससे तुम बार बार कंफ्यूज ना हो. समझे क्या? तो जब भी कहीं रिपल्शन लगेगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. एक खाली कहने का तरीका है. तो टॉर्शनल स्ट्रेन और टॉर्शनल एनर्जी का मतलब समझ में आया कि नहीं? रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होगा दैट इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन, और रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी बढ़ेगी दैट इज नोन एज टॉर्शनल एनर्जी. हाँ या ना? हाँ सर. तो टॉर्शनल एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन. बोलो. हाँ. और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्शन. रिपल्शन की वजह से आया हुआ स्ट्रेन टॉर्शनल स्ट्रेन कहलाएगा. अब टॉर्शनल एनर्जी या टॉर्शनल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? कम. ये बात मानते हो?
टॉर्शनल एनर्जी या टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों हाँ बोलो। हाँ सर। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। सर टॉर्शनल और टॉर्शनल दोनों अलग है क्या? नहीं नहीं दोनों एक ही है, मुझसे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। दोनों एक ही है श्री लक्ष्मी। यस सर। हो गया बच्चों, इतना नोट कर लें अच्छे से, आगे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपने बहुत लोगों से पढ़ा होगा, एक बार मुझसे भी पढ़ के देख लीजिए। हो गया सर। वेरी गुड सौम्या। हाँ सर हो गया। इरेज कर दूं? यस सर। फाइन, अगली हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। बच्चों हम लोग चल रहे हैं यार इथेन का कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने। अब जरा देखो, सबसे पहले तुमने देखा था कि इथेन CH3 और CH3 को बोलते हैं, इसको तुमने इस तरह से ड्रॉ किया था। पीछे हमने देखा था ये C, ये C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। अब अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन मान दूं, कौन सा मान दूं इसको बच्चों? फ्रंट कार्बन। और इसको मान दूं मैं बैक कार्बन मान दूं, तो फ्रंट की शकल कैसे बनती है लल्ला? फ्रंट की शकल ऐसे बनती है, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। छोटा बना देते हैं, हाँ। जिससे हमें स्पेस की कमी ना आए। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट की शकल प्यारे बच्चों कुछ ऐसी जाएगी, मानते हो? हमने ऐसा बना दिया। और यहाँ जो ये कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, कार्बन है। और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। अब जो रियर कार्बन होगा प्यारे बच्चों, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो। हाँ, अब जरा देखना। अब रियर कार्बन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो जो रियर कार्बन होगा वो कैसे होगा बच्चों? ये इसके ठीक पीछे होगा कि नहीं? अब ठीक पीछे 2D प्लेन में बनाऊंगा तो दिखेगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा ये मैं इसे बगल बना दे रहा हूं, तुम समझ लेना कि ये ठीक पीछे है इसके। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ये देखो ये इथेन का कन्फॉर्मर बना हुआ है। तो इसको अब हम लोग और बारीकी से चीजों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखते चलो एक एक बातों को और ध्यान से समझते चलो। देखो ये ऐसा हो गया। अब अगर हम लोग बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करा दें, इसको बोला जाता है फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोला जाता है इसको? इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, फुली इक्लिप्स। अगर 60 डिग्री से हम लोग इसको रोटेट कराते हैं तो जरा देखना ध्यान से। 60 डिग्री से हम लोग, चलो मान लो फ्रंट कार्बन को रोटेट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैक। तो अगर हम 60 डिग्री से फ्रंट कार्बन को रोटेट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू बैक, तो बैक तो अपनी स्थिति एज इट इज रखेगा। बोलो। हाँ हाँ सर। अगर बैक अपनी स्थिति एज इट इज रखेगा तो जरा देखो जो हमारा फ्रंट है वो रोटेट करेगा, 60 पे रोटेट करेगा। तो जरा देखो ये पॉइंट तो एज इट इज यही रहेगा,
लेकिन ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला घूम के यहाँ चला जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ चला जाएगा, बोलो हाँ। यानी कि अगर इसको मैं वन बोल दू, इसको टू बोल दू, इसको थ्री बोल दू, तो ये जो वन है इसके इसके बीच आ जाएगा, ये जो टू है वो इसके और इसके बीच आ जाएगा, ये जो थ्री है वो इसके और इसके बीच आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जरूर सारी बच्चों को दिखा होगा, बोलो हाँ। यानी कि ये हाइड्रोजन नंबर वन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन नंबर टू यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन नंबर थ्री यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड, फुली स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? फुली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, फुली स्टैगर्ड में जरा देखो, अब इन हाइड्रोजनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है कि नहीं? अगर इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होगा कि नहीं, बोलो। यस यस सर। इसी को गौचे फॉर्म भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? फुली स्टैगर्ड बोलते हैं, गौचे फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर जरा देखो, ये हाइड्रोजनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, अगर हाइड्रोजनों के बीच की दूरी यहाँ सबसे ज्यादा है तो इनके बीच रिपल्शन सबसे कम होगा। यानी यही मैं स्टार मार्क के लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। अगेन देखो, इंटर कन्वर्टेबल होती है इसलिए डबल एरो लगाया। अगर अगेन 60 डिग्री पे रोटेट कर दे हम लोग, व्हाट विल हैपन? देखो, हम किसको फ्रंट वाले को रोटेट करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बैक वाला, तो बैक को तुम एज इट इज ही रख दो क्योंकि तुम उसको उसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करा रहे हो, शांतिपूर्वक पड़ा रहेगा वो, ठीक है। थोड़ा डायग्राम की दिशा पे ज्यादा ध्यान ना देना, उसके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। अब जब फिर से रोटेट कराओगे तो हाइड्रोजन फिर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं 60 पे? क्योंकि देखो, इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है कि नहीं है? अरे फिजिक्स में लामीज थ्योरम वगैरह पढ़ते हो तो जानते होगे ना, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल? 120 इनके बीच 120 डिग्री का है। 60 पे यहां था, अगले 60 पे ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यानी अगले 60 पे, अब उसके ऊपर तो दिखा नहीं सकता इसलिए एकदम बिल्कुल बगल बगल दिखा दे रहा हूं, आप समझोगे कि ये बिल्कुल इसके क्या है, ऊपर है, बोलो हाँ। ये स्थिति आ गई, तो इसमें जरा देखो फिर से क्या हो गया, फुली इक्लिप्स फॉर्म फिर से बन गया कि नहीं? फुली इक्लिप्स फॉर्म, फुली इक्लिप्स फॉर्म फिर से बन गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे कई सारी बातें आपको बताना चाहें, जैसे इसको, इस स्ट्रक्चर को अपन मान लो बोल देते हैं, सपोज करो दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? जो फर्स्ट है वही थर्ड है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो अगर मैं थीटा, टॉर्शनल स्ट्रेन या टॉर्शनल एंगल के बात करूं, तो टॉर्शनल जो एंगल है उसकी बात करूं थीटा की, जिसको हम लोग डाईहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल बोलते हैं, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो टॉर्शनल एंगल सबसे ज्यादा किस में है? सेकेंड में है, और फर्स्ट में और थर्ड में टॉर्शनल एंगल बराबर है कि नहीं? अगर मैं टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करूं, टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करूं अगर, तो जहां पर टॉर्शनल एंगल सबसे ज्यादा है वहां पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, और क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होगा। और जहां पे टॉर्शनल एंगल नहीं है या सबसे कम है, वहां पे जरा देखो, इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि एक के ऊपर एक है, इनके बीच की दूरी कम है। रेड वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्रीन वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यानी टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा वन और थ्री में होगा और सबसे कम किस में होगा, टू में होगा। तो हम लोग स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी, ये डायरेक्ट भी बोल सकता था, ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोल रहा हूँ। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल टू होगा और फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, नोट करें।
फटाफट नोट कर लीजिए। इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, बता देता हूं, नोट करते रहो। इसको स्टैगर्ड बोलते हैं, इसे एंटी भी बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, एंटी भी बोलते हैं। टाइम खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं। एक बात और नोट करके लिख देना, स्टैगर्ड और जो है फुली इक्लिप्स के बीच में भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। यस सर। उनको स्क्यू बोलते हैं, ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड, जैसे थीटा 1 डिग्री हो जाए, थीटा 2 डिग्री, जैसे थीटा पहले फुली इक्लिप्स में 0 और यहाँ 0 था दोनों के बीच में एंगल, यहाँ 60 हो गया, तो 0 से 60 के बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको स्क्यू के नाम से। जो आगे हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स लाई इन बिटवीन, इसको नोट कर लेना जरा अपनी कॉपी में, पीछे पीछे सब नोट हो गया था ना, स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन फुली इक्लिप्स्ड। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। फुली इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन फुली इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म इज नोन एज स्क्यू फॉर्म। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी रिपल्शन से डिसाइड होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में था, सबसे ज्यादा रिपल्शन था फुल्ली इक्लिप्स्ड में, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी सबसे कम होगी। उसके बाद रिपल्शन किस में होगा, स्क्यू में, क्योंकि स्क्यू फुल्ली इक्लिप्स और स्कैटर्ड स्टैगर्ड के बीच का है स्क्यू, और सबसे ज्यादा स्टैगर्ड की होगी, या इसी को अपन एंटी भी बोलते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। स्क्यू का मतलब उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यस सर। इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको सबसे पहले न्यूमैन ने बताया था दुनिया को, और ये जो प्रोजेक्शन फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का है, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। नोट करने की जरूरत नहीं है, खाली जानते हो। आगे चलें और हेडिंग डालें, ड्रॉ द इंपॉर्टेंट कंफॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, ड्रॉ द इंपॉर्टेंट conformations of butane, draw the important conformations of butane। हम लोग ब्यूटेन के इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर हम ये कन्फॉर्मेशन जो ड्रॉ करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ये दीज कार्बन जहां स्टार लगा रहे हैं, इसको चाहे अल्फा बोल दो चाहे बीटा, यानी कि इन कार्बन के रिस्पेक्ट में हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, या जो हम कंफर्मेशन ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और बीटा कार्बन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फा बीटा के ही रिस्पेक्ट में हो, औरों के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, यानी बीटा के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, और बीटा और इसके और दिस इसके भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो हम अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने चल रहे हैं। तो जरा देखो, अगर हमारा ये फ्रंट कार्बन होता है सपोज,
अगर ये फ्रंट कार्बन होता है और ये बैक कार्बन होता है तो जरा ध्यान से देखो, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को आप रिप्रेजेंट करना अच्छे से जानते हैं। चलिए हम लोग फिर से वही इस्तेमाल करते हैं, बैक के लिए क्रीम। ये हमारा हो गया सपोज करो बैक कार्बन। बैक कार्बन को देखोगे तो दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। चलो आप उसको बना दो, ड्रॉ कर दो। हम लोग किसको किसको ड्रॉ कर देते हैं, दो हाइड्रोजन को और एक मिथाइल ग्रुप को। ये रहा CH3 और ये रहा H, ये रहा H। अब फ्रंट कार्बन आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा देखिए, अब इसके ऊपर लाइन तो मैं 2D प्लेन में नहीं बना सकता हूं, तो है ऊपर ही बट मैं बना बगल से दे रहा हूं, तो मान लेना ऊपर ही उसको। आई बात समझ में नहीं आई? ये सपोज दिस इज CH3, दिस इज H एंड दिस इज ऑल्सो H। ये हो गया, इस क्या बोलोगे, फुली इक्लिप्स्ड? क्या बोलोगे? हाँ सर। बोलोगे नहीं बोलोगे? ठीक है। अगर हम लोग इसको सपोज करो कि 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो व्हाट विल हैपन? तुम बैक कार्बन को शांत कर दो, रोक दो। बैक कार्बन को अगर रोकोगे तो ये स्थिति होगी CH3 H H, और इसको तुम घुमाओगे तो ये वाला CH3 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये हो गया CH3 और ये वाला H इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और दिस H विल मूव इन बिटवीन दिस H एंड दिस CH3। बोलो हाँ। यस सर। इसको क्या बोलोगे, स्टैगर्ड या गॉचे? स्टैगर्ड। ठीक है। अगेन हम लोग अगर इसको अगेन क्या करते हैं, 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, तब क्या होगा? अगेन 60 डिग्री से रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बैक कार्बन, बैक कार्बन को शांत कर दो ऐसे ही। ये रहा CH3, ये रहा H, ये रहा H। अब दिस CH3 विल जस्ट अबव द दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस या नो? ये CH3, यस सर। इसको सुनो, रेड पेन से बना देता हूं, वेट, साथ साथ ड्रॉ करो। कुछ दम नहीं है इसमें, अभी देखो बेसिक्स लेके चल रहा हूं, अभी ऐसी बैंड बजाऊंगा इसकी, जरा से भी कुछ कहीं दम नहीं है इसमें। समझे? अब ये देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, लेकिन CH3 के ऊपर H है, तो ये फुली इक्लिप्स नहीं बोला जा सकता। अगर CH3 के ऊपर CH3 होता, H के ऊपर H होता, तब तो फुली इक्लिप्स था। इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड। नोट कर लीजिए। और सपोज यू आर अगेन रोटेटिंग द फ्रंट कार्बन बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द बैक कार्बन, देन व्हाट विल हैपन? सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 H H, ये घूम के यहाँ आ जाएगा। कौन? CH3 आया ना? हाँ सर। ठीक है। और अगर ये CH3 घूम करके यहाँ आ जाएगा तो ये H यहाँ चला जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। ये पूरा ये असली एंटी फॉर्म बना कि नहीं? देखो स्टैगर्ड तो ये भी था, लेकिन ये एंटी नहीं था। ध्यान से देख लो, स्टैगर्ड या गॉचे तो बोल सकते हैं, ये भी स्टैगर्ड ही है, बट इस ये कौन सा वाला स्टैगर्ड है? एंटी वाला स्टैगर्ड है। हाँ या ना? बोलो।
यस सर। देखो एकदम इस ग्रीन वाले सीएसटी के एकदम अपोजिट, एकदम विपरीत, एकदम अपोजिट में है कौन? रेड वाला सीएसटी। अब अगर हम इसको अगेन 60 डिग्री से रोटेट करा देते हैं तो व्हाट विल हैपन? देखो जरा क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा एस था, इसको तुमने स्टैगर्ड बोला था या तुमने इसको गाचे बोला था, ठीक है? अब आ जाओ इसको रोटेट कराओ, रोटेट कराओगे अगेन 60 से तो बैक कार्बन एज इट इज रहेगा CH3 H H। नाउ यू आर रोटेटिंग द फ्रंट कार्बन, व्हाट विल हैपन? ये CH3 यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा और ये H यहां चला जाएगा। इसको और इसको देखो, इट इज अगेन पार्शियली एक्लिप्स्ड। हाँ या ना? यस सर। इट इज अगेन partially eclipsed, नोट कर दीजिए। अगर फिर से मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं बेटा, अगर मैं फिर से इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये फिर से क्या बना देगा? स्टैगर्ड। देखो ये यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं फिर से इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं, इसको सेकंड बोलूं, इसको थर्ड बोलूं, इसको फोर्थ बोलूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कौन सा स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा? सेकंड। और फिर मैं अगर इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया तो सेकंड को अगर किसी ने 60 पे रोटेट किया फिर फर्स्ट वाला जाके बन जाएगा कि नहीं? हाँ। पता नहीं दिख रहा है? सब ध्यान से देखो, हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम 60 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दिस वन, मींस इट इज लाइक टू। एंड इफ दिस टू इज अगेन रोटेटेड बाय 60 डिग्री, यहां से CH3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन स्ट्रक्चर नंबर 1 विल फॉर्म। हां या ना? हां सर। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? जो फुली इक्लिप्स्ड है। यानी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट सबसे कम स्टेबल होगा, एंटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनमें रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा। CH3 CH3 के जो बॉन्ड पेयर्स है उनमें रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा, रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन सबसे मिनिमम होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बचते हैं हमारे कौन, इनके बीच में कौन आ जाएगा? फिर आता है इसके बाद नंबर आ जाएगा स्टैगर्ड का। बोलो हाँ। हाँ सर। बोले तो टू, और उसके बाद फुली इक्लिप्स के बाद सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये हो गया स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया नहीं आया? आया सर। ठीक है, एनीवन, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। पार्शियली इक्लिप्स फुली इक्लिप्स में जो रिपल्शन है वो फुली इक्लिप्स में ज्यादा होगा, क्योंकि CH3 भी एक बड़ा ग्रुप है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो दो CH3 CH3 यानी दो बड़े बड़े ग्रुप एकदम पास हो जाएंगे तो उसमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा रिलेटिव टू अदर बॉन्ड पेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन से कार्बन हुआ? अल्फा बीटा हुआ। इसी तरह से अगर हम इसको गामा मान दें तो ये कन्फॉर्मेशन, ड्रॉ द इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीटा। इसी तरह से हम इनके इनके बीच में बना सकते हैं कि नहीं, और इनके इनके बीच में बना सकते हैं कि नहीं? जवाब दो।
हाँ सर बना। हाँ सर चलो फटाफट ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो। फिनिश बच्चों? हाँ सर। वेल अब चलो जरा इसको इरेज इरेज करने से छोड़ करके नेक्स्ट चल देते हैं। आगे लिखिएगा ड्रॉ द कंफॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। इस बार आपको ड्रॉ करना है This one is alpha and this one is beta with respect to alpha beta. पिछली बार ये alpha था, ये beta था। तो हम लोग draw कर सकते हैं अगर हम इसको front मान लें और इसको back मान लें। तो जरा देखो back carbon पे दो तो है hydrogen और एक है ध्यान से देखो तो ethyl। हाँ या ना? Yes sir। तो अगर हम back carbon को draw करते हैं तो ये मान लो इथाइल, इसको मैं ET से लिख रहा हूं, बार बार इतना बड़ा लपंडर नहीं बनाना रहेगा। तो ET stands for इथाइल। लुक अब हम इस पे बात करेंगे। अब ये जो फ्रंट कार्बन है इस पे तीन के तीन हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं S, ये क्या बनेगा, ये मैक्सिमम यही बन सकता है और क्या बनेगा, बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर ये बनेगा, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन। चलो इसको रोटेट करा दो, 60 डिग्री से रोटेट कराओगे तो बैक कार्बन तो तुम्हारा एज इट इज रहेगा, उस पे ईटी लगा रहेगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। 60 डिग्री से जब रोटेट कराते हो तो क्या हो जाएगा, यहां एच यहां एच एंड व्हाट अबाउट दिस वन, यहां भी क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अगेन 60 से जब रोटेट करोगे तो अगेन 60 से रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, लुक वी आर रोटेटिंग द फ्रंट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू बैक कार्बन, दिस वन इज ईटी दिस वन इज एच दिस वन इज एच, व्हाट विल हैपन, ये घूम जाएगा तो ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब बिल्कुल ऊपर तो हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि हम 2D प्लेन में काम कर रहे हैं, ये आप जानते रहने बिल्कुल ऊपर ऊपर है, हाँ या ना? तो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया कि नहीं? अब जितना भी घुमाएंगे तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चरों में लोग भागेंगे स्ट्रक्चर, बोलो। हाँ अगेन 60 कर दोगे तो अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, अगर कोई कहे कि सर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा इसको अगेन 60 डिग्री पे रोटेट कराऊंगा, तो बाबा इसको 60 पे रोटेट कराओगे तो फिर सेकंड आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। मींस कि तुम जब भी इसको आप कितना भी 60 पे रोटेट करो यू विल ऑलवेज मूव बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि तुम इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में मूव करोगे, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है तो इसको क्या बोल सकते हो, स्टैगर्ड या गौचे, और इसको इक्लिप्स्ड, बोलो। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी तुम्हें मालूम है सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, ये तुम्हारा स्टैगर्ड हो गया या गौची और ये तुम्हारा इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में आया होगा, बोलो। यस सर। वेरी गुड।
अगले क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन नोट करिए. ड्रॉ द इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशंस ऑफ या इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन. सर जी बेटा. सर एक बार पिछला पेज दिखाइए ना. हाँ श्योर. ओके सर. ड्रॉ द इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन एंड अरेंज देम. नंबर वन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. नंबर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन. नंबर थ्री डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा? टॉर्शनल एंगल. अगर हमसे कह रहा है प्रोपेन के बारे में तो प्रोपेन से सब लोग परिचित हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं. CH3, CH2, CH3 चाहे तुम इसके रिस्पेक्ट में बनाओ चाहे इसके रिस्पेक्ट में बनाओ, सकल सूरत बिल्कुल एक जैसी बनेगी कन्फॉर्मर्स की. तो सपोज दिस वन इज आवर फ्रंट कार्बन एंड दिस वन इज आवर बैक कार्बन. तो सी हम लोग सबसे पहले बैक कार्बन बना लेते हैं. बैक कार्बन बनाएंगे तो इस पे कौन जुड़ा हुआ है? एक CH3 और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. अब हम इस पे फ्रंट कार्बन को ड्रॉ कर देंगे. तो फ्रंट कार्बन पे क्या है जरा देखो, ये ऐसी स्थिति है. हाँ है ना, बोलो. तीन के तीन हाइड्रोजन ही है ना फ्रंट कार्बन पर. सपोज वी आर रोटेटिंग द फ्रंट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू बैक कार्बन बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. लुक, हमको इसको स्टेबल रखना, इसी के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं. ये CH3 हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया. नाउ ये क्या हो जाएगा? एच H, H, बोलो. हाँ अगेन कोई 60 से घुमाएगा, अगेन कोई 60 से घुमाएगा तो क्या हो जाएगा? लुक खूब ध्यान से, जितना ज्यादा कॉन्सियसनेस होगा उतना ही अच्छे से चीजें समझ में आएंगी. ये तो भी बहुत छोटी बातें हैं, मैं आगे इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको. सी दिस दिस एंड दिस. हाँ ना, अब मुझे तो नहीं लगता कोई एक अगला स्ट्रक्चर बनेगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम घुमाते जाओ 60 डिग्री पे तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में यही बनेंगे और कोई बनेगा क्या? नो सर नहीं. जितना मर्जी उतना घुमा दो. जैसे ही तुम इसको घुमाओगे 60 डिग्री से तो 60 डिग्री से घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? फिर यही सेकंड जैसा बन जाएगा. फिर 60 से घुमाओगे तो फिर फर्स्ट जैसा बन जाएगा. फिर 60 से घुमाओगे फिर सेकंड जैसा बन जाएगा. यानी कि यही दो स्ट्रक्चर्स ही पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. सबसे कम स्टेबिलिटी वो होगी जिसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा. रिपल्शन उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसमें बॉन्ड पेयर्स पास होंगे. तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम, सेकेंड की ज्यादा. दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन. जहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा वहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन अधिक होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थीटा. थीटा सबसे ज्यादा जहां होगा वहीं सबसे मोर स्टेबल होगा. देखो यहाँ थीटा ज्यादा है, यहाँ थीटा जीरो है. डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो सेकेंड का ज्यादा फर्स्ट का कम. ये है आंसर. उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको समझ पाए होंगे. नोट डाउन करें फटाफट. हो गया.
हाँ सर। हाँ सर। ठीक, वेरी गुड। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे बच्चों बोलता है कि व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर्स आर नेसेसरी, व्हाट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फीचर्स आर नेसेसरी फॉर अ कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट कन्फॉर्मेशंस, टू एग्जिबिट कन्फॉर्मेशंस और which of the following compound will show conformations. Option number one, CH3. Cl. Option number two, H2O2. Option number three, CH2 double bond CH2. Option number four, H2NOH. सर एग्जिबिट के बाद क्या लिखा है? कन्फॉर्मेशंस, इसको करेक्ट कर लो, एग्जिबिट कन्फॉर्मेशंस। कह रहा है क्या नेसेसरी फीचर होता है किसी मॉलिक्यूल को कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए, किन बेसिक चीजों की जरूरत होती है, क्या होना चाहिए उनके पास, और इनमें से कौन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा, कोई बताएगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, एक भी नहीं दिखाएगा ना। ऐसा नहीं है बेटा, देखो नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, एट लीस्ट 4 atoms, at least 4 atoms should present subsequently, याद रखना 4 atom प्रेजेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंटली। अब जरा देखो इसमें 4 atom है तो, लेकिन सब्सिक्वेंटली नहीं है, जरा देखो एक के बाद एक देखो सब्सिक्वेंटली कुल कितने एटम्स है इसमें, मैक्सिमम 3 है। अबे समझ में आ रहा है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देख लो, इधर भी देखो कि 1 2 3 है, सब्सिक्वेंटली 3 ही एटम है, टोटल कार्बन से 4 atom जुड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट अटैच सब्सिक्वेंटली, सो इट विल नॉट रिप्रेजेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लुक, एच ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यस 1 2 3 4 एटम्स आर प्रेजेंट सब्सिक्वेंटली, सो इट विल शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हाँ या ना? ये तो लल्ला कभी शो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये तो कभी भी, इसमें 4 atoms सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट है बट एकदम से नशे में नहीं रहना है, 1 2 3 4 4 atoms है बट 4 atoms सब्सिक्वेंटली होने के बावजूद भी फ्री रोटेशन होना चाहिए, क्या यहाँ पर फ्री रोटेशन है? फ्री रोटेशन नहीं है, तो ये भी चाचा कभी भी दिखाएंगे नहीं, क्या ना तो ये दिखाएगा ना ये दिखाएगा, इधर आ जाओ HNHOH ये भी दिखाएगा, बोलो। हाँ हाँ सर, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए 4 atom सब्सिक्वेंटली प्रेजेंट होने चाहिए, आई बात समझ में, तभी तो किसी दो के रिस्पेक्ट में सेट कर पाओगे, जैसे देखो जैसे HOOH है तो इसको फ्रंट इसको बैक मान लो, बोलो। हाँ
हाँ सर तो ये इसके ठीक सामने होगा कि नहीं, या इसको फिर रोटेट करते जाओ, अब तो समझ में आ गया होगा ना लल्ला, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, इसी पे रोटेट कर दो, तो कम से कम ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम चार आइटम सब्सिक्वेंटली जुड़ेंगे, जैसे इसमें तुम करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, ये है तुम्हारा N H H O H, अब ये H आमने सामने घुमाते जाओ इनको विद रिस्पेक्ट टू दिस। उम्मीद करता हूँ कि जरूर ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ? हाँ सर, ठीक है, यस। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अभी खेल बाकी है, अभी तो हम खाली तुमको बेसिक्स पे वर्क करा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो जाए कि तुम जरा परेशान कम हो। एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में हमारी ताकत है, लिखिएगा थ्री कन्फॉर्मेशंस ऑफ, थ्री कन्फॉर्मेशंस ऑफ 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन आर गिवन, थ्री कन्फॉर्मेशंस ऑफ 1, 1, 2, 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन आर गिवन, एक ही दिया है। अब जरा फटाफट समझ लेना, कोई बच्चे नहीं हो, थोड़ी देर से हमने प्रैक्टिस कराई बेसिक्स की, अब मैं थोड़ा स्पीड से चलता। एक तो ये दिया है, इसको फर्स्ट बोलता है, दूसरा प्यारे बच्चों ये दिया है, और इसको सेकंड बोलता है, तीसरा ये दिया हुआ है, बी आर एच इसको सेकंड बोलता, इसको थर्ड बोलता, और पूछता है क्या एनी वन ऑफ अबव विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या इनमें से कोई भी ऐसा है बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? और दूसरा कहता है कि कैन एनी वन ऑफ अबव विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तीसरा पॉइंट कहता है एनी रिलेशन, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है जो तुम्हें लगता है कि इसके इसके बीच ये रिलेशन होना चाहिए? सर फर्स्ट स्ट्रक्चर में दो ही ब्रोमीन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में दो ही ब्रोमीन है, दो और कर देते हैं, गलती से बन गया होगा, ये लो चार हो गए, ओके यस। देखो इसमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं दिखाएगा, इधर तो मेरे क्लियर हो गया, क्योंकि किसी के पास कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन की शर्त होती है कि कार्बन की चारों वैलेंसी
चार अलग अलग स्पीसीज से सेटिस्फाइड हूं, क्या इसमें जो भी कार्बन तुमको दिख रहे हैं क्या एक भी कायरल है क्या? देखो एक तो ये फ्रंट कार्बन है, दो वैलेंसी ब्रोमीन से, बैक वाले की भी दो ब्रोमीन से, यहाँ जरा देखो फ्रंट वाले की दो हाइड्रोजन से और बैक वाली की तीन तीन ब्रोमीन से, तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा, यानी मुझे दूसरे वाले का तो जवाब मिल गया कि नो कायरल कार्बन, और जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अब बात आती है किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की शर्त क्या है, क्या कोई साइक जो है ओपन चेन कंपाउंड जीआई दिखाएगा विदाउट डबल बॉन्ड? नो सर, नो सर, नो सर। तो ये भी बात खत्म हो गई, क्योंकि ये क्या है 1-1-2-2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, यानी एक दो, ये 1-1-2-2 एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, इसी को 1-1-2-2 टेट्रा ब्रोमो इथेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये क्या खाक दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? पहली चीज तो कोई भी एल्केन क्या दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बोलो हाँ, हाँ सर, ठीक है, फाइन, ठीक है। हिमांशु, 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 ये रिपीटर की क्लास चल रही बेटा, तुम्हारी क्लास 2 बजे से है ना, अभी 2 नहीं बजे हैं, जाओ मौज करो, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल भी नहीं दिखाएगा, अब बचा क्या कोई रिलेशन है क्या फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या तुम्हें? मुझे तो दिख रहा है। देखो इसमें देखो क्या नौटंकी किया इसने, तीन के तीनों ब्रोमीन, ये स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया है, नहीं तुम्हें पागल बनाने के लिए। देखो ये इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि तीनों ब्रोमीन एक कार्बन से जोड़ दिया है। बोलो हाँ, हाँ सर। तो फर्स्ट और सेकेंड में मुझे कोई रिलेशन नहीं दिखता, सेकेंड और थर्ड में भी मुझे कोई रिलेशन नहीं दिखता, बट फर्स्ट और थर्ड में दिखता है क्या? कंफर्मर्स, जल्दी हाँ कह दो। यस सर, हाँ सर, कंफर्मर्स है कि नहीं? दोनों देखो एकदम सेम स्ट्रक्चर है, दो ब्रोमीन आगे दो ब्रोमीन पीछे, फर्स्ट से थर्ड तक पहुंचा जा सकता है घुमाते घुमाते। बोलो हाँ, हाँ सर, 120 पे घुमा दोगे तो फर्स्ट ही थर्ड बन जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो तीनों बातों का जवाब उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को मिल गया होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड है वो क्या खाक दिखाएंगे, वो भी ओपन चेन कंपाउंड, कभी नहीं दिखाएंगे जीआई। दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भैया कोई भी कायरल कार्बन है ही नहीं। तीसरा रिलेशन है फर्स्ट और थर्ड में, वो भी कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, कंफर्मेशन से ये? हाँ सर, हाँ, ठीक है, जाइए मौज करिए। शाम वाली क्लास में भी सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है। बच्चों शाम वाली क्लास बहुत जबरदस्त जाएगी, ये अभी मैं क्या कर रहा था तुम्हें अमृत तक ले चल रहा था, अमृत बरसेगा शाम वाली क्लास में, तो 100% अटेंडेंस मेरे को शाम वाली क्लास में चाहिए सारे बच्चों की, किसी को कोई भी बीमारी बुखार जुखाम खांसी ये सब शाम तक ना आने पाए, ठीक है? यस सर, यस सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आगे हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको खूब ध्यान से देखना, इस पे बहुत कुछ मैं आपको 1x1 करके सिखाता हूं। हेडिंग डाल दीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन
साइक्लो इन साइक्लोहेक्सेन एंड फ्लिपिंग geometrical isomerism in cyclohexane and flipping. बहुत important topic है ये, एक एक करके आप सारी चीजों को देखें. cyclohexane जिससे आप already परिचित हैं, इसमें बहुत कुछ आपको जानना जरूरी है. जैसे बच्चों, अगर मान लो ये कार्बन और कार्बन दोनों एक तरफ है, जिसको तो तुम सिस बोल देते हो, और अगर साइक्लोहेक्सेन में अपोजिट है तो इनको ट्रांस बोल देते हो. बोलो हाँ. हाँ सर. इस फॉर्म में तो पहचानना बहुत आसान है इनको, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये जब इस तरह से लिखे जाते हैं तो इनको पहचानना आसान ही नहीं, बच्चों के लिए लगभग लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है. साइक्लोहेक्सेन जब इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो इनको पहचान पाना बच्चों के लिए काफी टेढ़ी खीर हो जाती है, सिस और ट्रांस को खासकर पहचान पाना. अगर इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है तो देखो, ये अगर ऐसे ऐसे करके लिखे हैं, थोड़े तिरछे हैं, तो इसका मतलब इक्विटोरियल पोजीशन होता है. अगर थोड़े तिरछे करके लिखे गए तो उसका मतलब क्या होगा? इक्विटोरियल पोजीशन. क्या होगा? इक्विटोरियल पोजीशन. और अगर साइक्लोहेक्सेन बनाया गया है और ये जो है तिरछा करने के बजाय ऐसे सीधा करके लिखा जा रहा हो, सीधा करके कहीं अगर लिखा गया हो, जैसे मान लो अगर ये ऐसे तिरछा है तो ये तो इक्विटोरियल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन. बहुत गजब का लेक्चर होने वाला है अभी ये, ध्यान से एक एक चीज देखते जाओ. और अगर बिल्कुल ऐसे सीधा लिखा है तो इसका मतलब क्या है? एक्सियल पोजीशन. इसका मतलब क्या है? एक्सियल पोजीशन. आई बात समझ में? ये तिरछा बना हुआ है तो इसका मतलब इक्विटोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल. हाँ या ना? यस सर. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे हम इसमें इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन को पहचाने और इसमें हम कैसे सिस और ट्रांस को जानेंगे. तो इसमें सिस और ट्रांस को जानने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. तो ये इस तरह से इतना बना लिया है आपने अपनी कॉपी में? नो सर. इसे चेयर फॉर्म के भी नाम से जाना जाता है. ये चेयर जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कुर्सी जैसा. यहाँ पे बैठ जाओ और यहाँ से पैर लटका लो. इनको चेयर फॉर्म के भी नाम से जाना जाता है. किसके नाम से? चेयर फॉर्म. इतना नोट करोगे फिर अगली हेडिंग लिखना, ट्रिक टू प्रेडिक्ट, ट्रिक टू प्रेडिक्ट सिस एंड ट्रांस फॉर्म, सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन चेयर फॉर्म, या सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन इन चेयर फॉर्म. और शुद्ध हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन इन चेयर फॉर्म. ट्रिक टू प्रेडिक्ट सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन इन चेयर फॉर्म. हेडिंग डाल दिया? हाँ सर. ठीक है, हेडिंग डाल दिया. तो अब लिखिएगा पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर वन में लिखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग इज डन For all substituent. First of all, numbering is done for all substituent.
पॉइंट नंबर टू, इफ पोजीशन इज सेम, इफ पोजीशन इज सेम, यानी कि जैसे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल ईई का मतलब इक्विटोरियल समझ लोगे, या ए ए, यहां ई स्टैंड्स फॉर इक्विटोरियल, एंड बच्चों ए स्टैंड्स फॉर एक्सियल, ई स्टैंड्स फॉर इक्विटोरियल एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सियल. If position is same, then final position minus initial position, final position minus initial position. इसको करोगे तो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, ऑड आएगा या इवन आएगा. अगर ऑड आता है तो ट्रांस और अगर इवन आता है तो सिस. Point number three, if position is different, अगर position अलग अलग हो, यानी एक equatorial हो दूसरा axial या एक axial हो दूसरा equatorial, तो फिर क्या करोगे? Final position minus इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अगर जो भी कुछ आएगा उसमें वन ऐड भी कर देना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और जो भी कुछ आएगा उसमें वन ऐड कर देना प्लस वन. अगर ऑड आया तो ट्रांस, इवेन आया ट्रांस और इवेन आया तो सिस. इसको अभी अपने आप समझ जाओगे, घबराओ. पहले नोट करो, कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग इज डन. आई एन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग इज डन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट इफ पोजीशन इज सेम. अगर दोनों पर पोजीशन सेम है, यानी इक्विटोरियल इक्विटोरियल या एक्सियल एक्सियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो. ऑड आ जाए तो ट्रांस कह देना, इवन आ जाए तो सिस. अगर डिफरेंट हो तो एक जोड़ देना सब्सट्रैक्शन के बाद, और ऑड आ जाए तो ट्रांस, इवन आ जाए तो सिस. उम्मीद करता हूं कि शेर हमारे इसको लिख लिए होंगे. नोट कर लिया? हाँ सर. एवरीवन? यस सर. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, शालवी आ गई, आई थिंक नूर नहीं आई है. ठीक है, कोई बात नहीं है. क्वेश्चन लीजिए. आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस फॉर्म इन द गिवन स्पीसीज. आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस फॉर्म इन द गिवन स्पीसीज. Identify cis and trans form in the given species.
चलो बताओ इसमें कौन सिस होगा कौन ट्रांस होगा, तो नंबरिंग करोगे ये कार्बन नंबर वन बोल दोगे तो इसको देखो इधर से जाओगे 2 3 4 5 इधर जाओगे तो 2 3 बोलो हाँ हाँ, हाँ बोलो तो 1 ये तिरछा है देखो ये ऐसे आड़ा है कि नहीं, 1 इक्विटोरियल है और 3 एक्सियल है, तो जरा देखो ये पोजीशन डिफरेंट आ गए कि नहीं, पोजीशन डिफरेंट आएंगे, तुमसे क्या बोला था फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 3 - 1 कितना आ गया 2 बोलो हाँ, और फिर उसमें एक जोड़ दोगे तो कितना आ गया 3, ये ऑड हुआ कि नहीं हुआ, ऑड हुआ तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बताओ जरा, ट्रांसफॉर्म हुआ, कौन सा फॉर्म हुआ ट्रांस, ध्यान से सुनो हमने बोला था कि अगर पोजीशन अलग अलग हो जाए एक इक्विटोरियल दूसरा एक्सियल तो फाइनल माइनस इनिशियल करके एक जोड़ देना, यही बोला था कुछ और बोला था, यही बोले थे सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 किधर से भी जाओगे तो यही होगा, देखो दोनों ऐसे तिरछे तिरछे हैं, एक 1 इक्विटोरियल है दूसरा 4 इक्विटोरियल है, जब पोजीशन सेम हो जाए तो वहां क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर ऑड आ जाए तो ट्रांस, और इवन आ जाए तो सिस, ऑड तो ये भी क्या हो गया ट्रांस, नहीं समझा? समझा सर। इधर आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किधर से जाओगे तो 8वें नंबर पे आएगा और किधर से जाओगे तो 9वें नंबर पे आएगा, इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नजदीक ऊपर ऊपर से हो रहा है ना, तो हम देखो ये जरा देखो ये ऐसे तिरछा है और ये बिल्कुल सीधा है कि नहीं बोलो, हाँ सर ठीक है, अगर ये सीधा है तो हम क्या बोल देंगे 1 इक्विटोरियल और 8 पे एक्सियल, तो डिफरेंट पोजीशन हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल करो 8 - 1 7 आ गया, 7 क्या है ऑड, ऑड आते ही क्या हो जाएगा ट्रांस, बोलो हाँ सर इसमें 1 ऐड करेंगे हाँ सर प्लस 1 करेंगे ना, वेरी गुड, वही चेक करा था, देखो अपोजिट है तो एक धुन में मत चलते रहना, 7 8 - 1 की 7 तुमने देखा अपोजिट है तुरंत एक ऐड कर देना पड़ेगा, एक ऐड कर दिया तो 8 आया क्या है इवन, हाँ या ना, वो मैं चेक कर रहा था कि वो उसमें भी पूरा कि नहीं है, 1 E 8 A तो क्या हो जाएगा 8 - 1 7 तो 7 + 1 8 8 हो गया, ये क्या है इवन है, इवन हो जाएगा तो ये कैसा फॉर्म होगा सिस की ट्रांस, सबस अब गलती नहीं, इधर आओ 1 2 3 1 E 3 A 3 - 1 2 2 + 1 3 3 ऑड हो गया, ऑड होते ही से क्या बोलोगे ट्रांस, इधर देखो 1 2 3 1 2 3 1 पे भी इक्विटोरियल 3 पे भी इक्विटोरियल 3 - 1 2 2 कैसा है इवन, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम पोजीशन इवन है, तो ये कैसा हो जाएगा सिस, हाँ या ना, हाँ सर ठीक है, नोट करो फटाफट, हो जाए तो बता देना,
नोट हो गया बच्चों? हाँ सर। वेरी गुड। चलो इरेज कर दूं? यस सर। फाइन। सेम क्वेश्चन है और कुछ देखिए उसमें निकालिए। जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें पूछता है, सपोज करिए इनमें बताओ कौन सी से कौन ट्रांस है। कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल लगा दो, 1 2 3 4। इस ये 1A और 3 4E है कि नहीं, तो 4 माइनस 1 करोगी 3, प्लस 1 कर दोगी तो 4, तो 4 आ गया इवन, इवन आया तो ये पहला वाला सिस है। इधर जरा देखो 1 2 3, 1 पे भी ई है, 3 पे भी ई है, बोलो हाँ, यानी 3 माइनस 1 2, इवन आ गया, इवन आ गया तो ये भी क्या है, सिस। इधर आओ, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ऊपर जाओ 1 2 3 4 5 6, 1 पे E 6 पे E, तो 5 आया तो ये ऑड हुआ, ऑड हो गया तो ये ट्रांस हो गया कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, स्पीड से स्पीड बढ़ाइए क्वेश्चन का। हो गया सर। वेरी गुड। आगे बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, थोड़ा यूज यहां देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कि कुछ इस तरह से, और इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा है, ठीक है, और ये यहां एक CH3 लगा है ऐसे, और यहां एक CH3 लगा हुआ है ऐसे, राइट। तो हमको इसका K बताना है, तो K इक्विलिब्रियम जो होगा, अगर इसे A मान दें, इसे B मान दें, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A होगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, नोट करके तुरंत एक बात लिखो कि स्टेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट कि ट्रांस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा सिस से ज्यादा होती है, दूसरा इक्विटोरियल पोजीशन की जो जो स्टेबिलिटी होगी वो हमेशा एक्सियल पोजीशन से क्या होगी, ज्यादा होगी, समझी क्या? तो इसका मतलब कि ये जो है बी का कंसंट्रेशन हमेशा ए से ज्यादा होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, बोलो। पॉइंट नंबर 2 से ये बात क्लियर हो जा रही है, क्योंकि ये देखो ये इक्विटोरियल पोजीशन तिरछा है, ये एक्सियल पोजीशन है क्योंकि सीधा है,
तो जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होगा, बी का ए से ज्यादा होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, सो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा कि नहीं? यस सर, नोट करो कृपया, के इक्विलिब्रियम जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, और अगर इसका परसेंटेज हमको गलती से मालूम चल जाता है, सपोज द परसेंटेज ऑफ दिस स्पीसीज इज एक्स परसेंट, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ दिस वन, 100 माइनस एक्स, हाँ सर, हो जाए तो बता दीजिए। हाँ सर, हो गया। ठीक है, सबका हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसका इसमें कन्वर्जन हो रहा है, पलट जा रहा है ना, फ्लिपिंग हो जा रही है, अभी बताता हूं कि कैसे होता है फ्लिपिंग, बहुत आसान। ये बिल्कुल सीधा बनाना जिससे कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, देखिए ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, अगर इसको ए मानते हो, इसको बी मानते हो, तो देखना ये वन और टू, वन ई टू ई है, यानी टू माइनस वन वन आ जाएगा, ये ऑड है, ऑड है तो कौन सा फॉर्म हुआ ये, ट्रांस, जल्दी बोलो। हाँ सर, इधर ये क्या है, वन ए टू ए है, तो टू माइनस वन वन आ जाएगा, ये भी ऑड है, ये भी कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, ट्रांस फॉर्म, हाँ सर। लेकिन ये ट्रांस है किसको लिए हुए, इक्विटोरियल के साथ, इक्विटोरियल, और ये ट्रांस है किसके साथ, एक्सियल के साथ, बोलो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला, ट्रांस है इक्विटोरियल के साथ, बोलो हाँ, और ये ट्रांस है एक्सियल के साथ, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इक्विटोरियल वाले, शाबाश, स्टेबिलिटी जो है वो ए की ज्यादा होगी बी से, तो कंसंट्रेशन भी ए का ज्यादा होगा बी से, तो जो के इक्विलिब्रियम होगा वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का ही तो कंसंट्रेशन होता है, तो अगर ए का कंसंट्रेशन बी से ज्यादा है, व्हाट विल हैपन गाइस, इट विल लेस देन वन, बोलो। हाँ सर, कोई तकलीफ? नो सर। इरेज कर दिया जाए? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसा, ये CH3 है, ये भी CH3 है,
तिरछा करके बनाते। CS3 है। इसका माइक बंद कर ली, किसी का माइक खोलो। ठीक, लुक यहां भी यही स्थिति है, CS3 है, ये CS3। तो जरा देखो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, जरा देखो ये वन है ये टू है, तो वन एक्सियल और टू इक्विटोरियल हो गया कि नहीं, तो टू माइनस वन कितना हो गया वन और प्लस वन कितना हो गया टू, तो ये कितना आ गया इवन आया कि नहीं आया, इवन आया यानी ये सिस फॉर्म है, बोलो हाँ। इधर भी जरा देखो वन इक्विटोरियल टू एक्सियल, वन इक्विटोरियल टू एक्सियल, बोलो हाँ। हाँ सर ठीक है, अगर ये वन इक्विटोरियल टू एक्सियल है तो टू माइनस वन वन आ जाएगा, प्लस वन कर देंगे टू आ जाएगा, तो ये इवन हुआ कि नहीं, इवन हुआ तो ये भी सिस फॉर्म है। अब जरा देखो ये भी एक इक्विटोरियल एक एक्सियल, ये भी एक इक्विटोरियल एक एक्सियल लेकर के सिस है, तो दोनों की स्टेबिलिटी एकदम सेम होगी कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ नहीं समझ पा रहा है क्या बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगा स्टेबिलिटी ऑफ बी के, वाई बिकॉज ये भी किसके साथ है एक एक्सियल एक इक्विटोरियल वन और टू पोजीशन, ये भी किसके साथ है एक एक्सियल एक इक्विटोरियल वन और टू पोजीशन, तो हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो बी अपॉन ए दोनों को स्टेबिलिटी बराबर है, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा दोनों का बराबर हो जाएगा। हाँ जो जब स्टेबिलिटी सेम है तो कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। वेरी गुड, नोट करना। हो गया सर। डन, वेरी गुड, हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। ये बात सबको अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन और ले देता हूँ जो कि काफी अच्छा है अगर ध्यान से देखोगे तू। ये है केस वन जब आर बराबर था एच की, केस टू जब आर बराबर है किसके सी एच थ्री के, केस थ्री जब आर बराबर है किसके सी एच टू सी एच थ्री के, और केस फोर जब आर बराबर है किसके एक दो तीन, राइट? यस सर। तो इसमें सबसे पहले हिंट लिख लीजिए, हिंट, जैसे जैसे सब्सिट्यूएंट का बल्किनेस बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विटोरियल फॉर्म की स्टेबिलिटी हाई होती जाएगी, जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स का बल्किनेस बढ़ेगा वैसे ही के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी।
वैसे वैसे इक्विटोरियल पोजीशन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जरा देखो इसको बुद्धिमानी के साथ कर दो, फॉर केस वन, केस वन में तो हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से कोई फर्क पड़ता है क्या? तब तो अगर ये ए है ये बी है तो हाइड्रोजन हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्टेबिलिटी एक बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। हाँ सर। तो के ई क्यू की वैल्यू वन हो जाएगी। बोलो। हाँ यस सर। और अगर केस टू की बात करें तो अब सीधे लिख दे रहा हूं, देखो समझ में आता है, के ई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन वन, क्योंकि जैसे ही वही इक्विटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर केस थ्री की बात करें तो देखो ये बल्किनेस बढ़ा, अब ये वन से काफी ज्यादा होगा, यानी कि ये के इक्विलिब्रियम यहां भी ग्रेटर देन वन ही होगा। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा भी है इनके लिए, यहाँ के ई क्यू चार होता है यानी चार गुना ज्यादा बढ़ता है, यहाँ ग्रेटर देन वन होगा। एग्जैक्ट डेटा चाहोगे इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ लगभग 16 गुना बढ़ जाता है, 16 टाइम। और केस फोर में भी के ई क्यू ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि जैसे ही बल्किनेस बढ़ेगा तो इक्विटोरियल पोजीशन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनहेंस कर जाएगी। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये भी ग्रेटर देन होगा, यहाँ के ई क्यू की वैल्यू 6400 के आसपास पाई गई, काफी ज्यादा होगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर हाँ सर, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की बात करें और यहाँ मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है पी वन और यहाँ है P2, यहाँ है P3, यहाँ है P4, तो P4 सबसे ज्यादा होगा, फिर P3, फिर P2, फिर P1। तेजी से लिखो नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक ही मिनट बचा है। Here P is the concentration of concentration, स्पीड बढ़ाओ, of product। Here P is the concentration of product। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि which one is more stable। ये तुम्हारा वेज है, सपोज इट इज CH3। और यहाँ CH3 लगा हुआ है। द सेकेंड वन इज ये CH3 और ये डैश, और इस कार्बन से CH3 लगे हुए। चाहो तो इनको ऐसे बाहर की तरफ दिखा दो और इनको डैश पे दिखा देंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की। तो जरा देखो ये दोनों तरफ इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है कि नहीं, यानी 1, 2, 3, 4। अब अगर ये ई होगा तो भी या ए होगा तो भी, अगर ये ओ ए होगा तो दोनों ए होंगे, ई होगा तो दोनों ई होंगे, यानी कि इसमें सिस्टम वही लगेगा। 4-1 कितना हो गया, 3। बोलो। हाँ अरे जवाब दीजिए बेटा, 4-1 कितना हो गया, 3। अब इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। ऑड हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। इधर जरा देखो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, यहां करोगी तो 4-1 3 और +1 करना पड़ेगा। हाँ या ना?
हाँ सर हाँ सर फोर आ गया तो ये क्या हो जाएगा सिस सिस आ गया तो बी की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा हो जाएगी पता नहीं समझा कि नहीं समझा लल्ला ट्रांस की ज्यादा होती है ना हाँ तो अच्छा हमने वो कर दिया सॉरी सॉरी एक ट्रांस कौन सा है हमारे पास ए ना हाँ तो ए की स्टेबिलिटी बी से क्या होगी ज्यादा राइट हाँ सर सब लोग नोट कर लें हो गया सर हो गया सर बहुत से अगर हम लोग आगे चलें तो आगे अब आपको मैं बताने वाला हूं फ्लिपिंग के बारे में किसके बारे में फ्लिपिंग के बारे में तो हेडिंग डाल दीजिए फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन अगर बच्चों फ्लिपिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देखो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है वो आप जानते हो किस तरह से होता है दिस इज द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन सपोज इस पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है सपोज दिस इज एक्स वो जो कि एक्सियल है एंड दिस वन इज द वाई जो कि इक्वेटोरियल है राइट बोलो हाँ सर यही ब्रैकेट में लिख देना प्री रोटेशन इज पॉसिबल इन साइक्लोहेक्सेन फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन साइक्लोहेक्सेन अब जरा देखो अगर हम इस कोने को पकड़ के रोटेट करें जरा देखो ऐसे तो जैसे इसको रोटेट करेंगे सूरत कुछ इसकी ऐसी बन जाएगी गौर से देखना इसको ऐसे उठा के इसे सीधा कर दिया बोलो हाँ ऐसी बन जाएगी कि नहीं बोलो यस सर भाई इसको पकड़ कोई ऐसे घुमा दे पकड़ के दिए शकल ऐसी बन जाएगी नहीं बन जाएगी इसको बोलते हाँ सर हाफ चेयर फॉर्म क्या बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म और यहाँ एक एक्स लगा है एक्सियल पे एक वाई लगा है इक्वेटोरियल पे बोलो हाँ क्या इसको फिर नहीं रोटेट कर सकते ऐसे रोटेट कर दें तो देखो क्या बन जाएगा ऐसे रोटेट कर देंगे तो कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जल्दी बोलो हाँ ये x ये y हो जाएगा इसको बोलते हैं बोट फॉर्म क्या बोलते हैं बोट फॉर्म और अगर कोई इसको रोटेट कर दिया तो फिर से हाफ चेयर बनेगा यस सर बोलो हाँ हाँ सर और कोई अगेन इसको रोटेट कर दिया तो जरा देखो इसी का बिल्कुल मिरर इमेज बन जाएगा ध्यान से देखना अक्षय नहीं है क्या क्लास में सर वो बोला कि उसका नेटवर्क इश्यू है अच्छा ठीक है आप जरा देखो बेटा जब मिरर इमेज बनाओगी तो जो इसकी इक्वेटोरियल पे होगा वो यहाँ एक्सियल पे आ जाएगा कि नहीं
यस सर, घुमा दो और जो वहां एक्सियल होगा वो यहाँ इक्वेटोरियल पे आ जाए। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं, उज्जवल नागर है क्लास में। हाँ सर, ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं। हाँ है सर, एकदम देखो इसका उल्टा बना हुआ है, मिरर इमेज है बिल्कुल। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग, फ्लिपिंग, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें और बता देता हूं, इसमें किसी कोई तकलीफ तो हुई नहीं होगी, इट इज वेरी सिंपल। बस याद रखना कि इसका जो एक्सियल था वो इसका क्या हो गया, इक्विटोरियल, और उसका जो इक्विटोरियल था इसका एक्सियल हो गया, हो ही जाएगा जब मिरर इमेज बनेगा तो। हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं, ट्विस्टिंग ऑफ बोट फॉर्म, जिसे ट्विस्टेड बोट भी बोलते हैं। ये बोट फॉर्म में एक ट्विस्टिंग होती है, पूछो क्या, जरा देखो, ये है तुम्हारा बोट फॉर्म, बोलो। हाँ हाँ सर। अगर मान लो इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज करो X, और इससे भी कुछ जुड़ा हुआ है X, या खुद इनके इनके बीच, तो इनके इनके बीच एक रिपल्शन वर्क करेगा कि नहीं, जिसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल रिपल्शन। कभी सुने हो? नो सर। फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं, ड्यू टू फ्लैग पोल रिपल्शन, ड्यू टू फ्लैग पोल रिपल्शन स्टेबिलिटी क्या होगी, जहां भी कहीं रिपल्शन लगेगा वहां स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। होता क्या है जरा देखो, इसको तुम बोल दो वन, इसको बोल दो टू, इसको बोल दो थ्री, इसको बोल दो फोर, तो ये करते क्या है कि ट्विस्ट कर देते हैं अपने आप को। ट्विस्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो इतना नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, फ्लिपिंग नोट कर लिया, तो चलो ट्विस्टिंग भी हम आपको बता देते हैं, जरा गौर से देखना ट्विस्टिंग में क्या होता है। ये स्थिति ऐसे रहेगी, देखो ये ऐसी, आप जरा देखना आगे की कहानी थोड़ा बदल जाएगी। बच्चों अगर मैं वन टू थ्री फोर की बात करूं, तो वन और टू को कॉन्स्टेंट रखो, और जरा देखो कि एक व्यवस्था ऐसी भी बन सकती है, ऐसी और एक ऐसी और ये ऐसी, ये ऐसी हुआ क्या, जरा देखो, बहुत आसान है, इतना आसान है जिसका कोई लिमिट नहीं। ये तुम्हारा वन था, ये तुम्हारा टू था, जल्दी, हाँ, ये थ्री था, ये फोर, हाँ जरा देखो, ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, समझ गए क्या हुआ, यहीं से पकड़ के फ्लिप हो गया, समझे कि नहीं समझे? समझे सर। अब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं भाई, ऐसे देखो 2D प्लेन में कोई इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे, देखो अभी तो ये पास पास है, जब चार ऊपर चला जाएगा, तीन नीचे चला जाएगा, तो इनके इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं समझा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक्स नाउ डिस्टेंस बिटवीन एक्स increases, so repulsion decreases, बोलो। हाँ, so repulsion, बोलो, decreases, और finally stability क्या हो जाएगी? increases, बढ़ जाएगी। यानी कि twisting से क्या होता है कि stability increase कर जाती है, जो फ्लैग पोल रिपल्शन होता है उसको घटाने के लिए ट्विस्टिंग होता है, और ट्विस्टिंग से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बोट फॉर्म की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म की होती है, चेयर फॉर्म की,
चेयर फॉर्म के बाद ट्विस्टेड बोट, ये तुम्हारा ये जो बना हुआ है ट्विस्टेड बोट, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? ट्विस्टेड बोट की। उसके बाद ट्विस्टेड बोट के बाद बोट आता है, बोट, और बोट के बाद आता है हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। हाँ आया ना? हाँ सर। कोई पूछेगा कि ट्विस्टिंग क्यों होता है तो क्या जवाब दोगे? टू रिड्यूस फ्लैग पोल रिपल्शन, राइट? यस सर। ट्विस्टिंग दिखा कि नहीं दिखा, क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? अभी नंबरिंग करके घुमा के दिखा दिया, 100% दिख जाना चाहिए यार। दिखा सर। जाओ मुस्कुराओ बढ़िया से, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इससे बेहतर तो नहीं ही पढ़े रहे होगे कभी। अगर पढ़े रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों सौम्या? हाँ सर, नहीं पढ़े थे, अभी पढ़े हैं। इसको नोट करिए, और कल हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। श्योर श्योर, ठीक, चलो बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।